हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स। अभी आपने डिस्कशन सुना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कवर करने के लिए फैराडे और जोसेफ हेनरी ने इंडिपेंडेंटली ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए। उन एक्सपेरिमेंट में जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया उसका क्या कंक्लूजन निकाला, वो कंक्लूजन हम आपसे शेयर कर रहे हैं। आइए हम देखें उन्होंने क्या कंक्लूजन्स फाइंड आउट किए। कंक्लूजन्स फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन फैराडे मेड द फॉलोइंग कंक्लूजन्स। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए, उनका जो ऑब्जर्वेशन किया, उनसे कंक्लूजन क्या फाइंड आउट किया, आइए देखें। द करंट फ्लोज इन द कॉइल ओनली व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट। पहला ऑब्जर्वेशन उनका ये था कि कॉइल में करंट तभी फ्लो होती है जब कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। अगर रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो कॉइल में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। तो पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि द करंट फ्लोज इन द कॉइल ओनली व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट। जब कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होती है तभी कॉइल में करंट फ्लो होती है। ये पहला कंक्लूजन था। आइए दूसरा देखें। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड इफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन और पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेटिक चेंज। मीन्स दूसरा कंक्लूजन उन्होंने देखा कि अगर हम या तो मैग्नेट की पोलैरिटी चेंज कर दें या तो मैग्नेट की डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर दें तो उस केस में करंट की डायरेक्शन कॉइल में जो फ्लो कर रही है वो रिवर्स हो जाती है। अगर क्लॉकवाइज है तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है या एंटी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज हो जाती है। तो जब भी हम मैग्नेट की पोलैरिटी या उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिवर्स कर देते हैं तो उस केस में कॉइल में फ्लो होने वाली करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। थर्ड ऑब्जर्वेशन था द करंट इन द कॉइल इज इंक्रीज्ड इफ द रैपिड मोशन ऑफ द कॉइल। द करंट इन द कॉइल कैन बी इंक्रीज्ड। आइए देखें कॉइल में करंट किन किन मेथड से इंक्रीज किया जा सकता है। नंबर फर्स्ट, द रैपिड मोशन ऑफ द मैग्नेट ऑन कॉइल। कॉइल या मैग्नेट को जब हम तेजी से मूव कराएं, उनकी रैपिड मोशन कराएं, तब कॉइल में करंट इंक्रीज हो जाती है। द यूज ऑफ ए स्ट्रांग मैग्नेट, अगर हम एक स्ट्रांग मैग्नेट का यूज कर लें तब कॉइल में करंट इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल एंड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कॉइल का हम इंक्रीज कर दें या नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दें तो कॉइल में करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाता है। तो ऑब्जर्वेशन में ये भी देखा गया कि कॉइल या मैग्नेट की अगर फास्ट मोशन होगी या रैपिड मोशन होगी तो करंट कॉइल में इंक्रीज हो जाती है। जब हम स्ट्रांग मैग्नेट का यूज कर लें जैसे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाए तो करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाता है। कॉइल का एरिया इंक्रीज कर दें या नंबर ऑफ टर्न्स उसमें इंक्रीज कर दें तो करंट इंक्रीज हो जाती है। नो रिलेटिव मोशन नो डिफ्लेक्शन। अगर कॉइल और मैग्नेट में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। आइए अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिफाइन करने की सिचुएशन में आ गए हैं। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिफाइन करने की सिचुएशन में आ गए हैं। द फिनोमेना इन व्हिच एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल इफ देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। मींस जब भी किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। द फिनोमेना इन व्हिच एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल इफ देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। अगर किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है या पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है, इसी फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ओके, आइए हम नोट देखें। नोट में क्या है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द मैकेनिकल एनर्जी स्पेंड आर वर्कड इन मूविंग द मैग्नेट टू चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स इज ट्रांसफर्ड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ करंट इन द कॉइल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम मैग्नेट या कॉइल को मूव कराने
चेंज कराने के लिए, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में करंट के फॉर्म में कॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैग्नेट या कॉइल को मूव कराने में हम जो वर्क डन करते हैं, जो मैकेनिकल एनर्जी खर्च करते हैं, वही वर्क डन या मैकेनिकल एनर्जी कॉइल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में करंट के फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है। ओके, अब आइए हम देखें कि 1830 में फैराडे ने क्या ला दिया जिसको हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहें देखेंगे 1830 में आया था। क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ एबव एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, ऊपर जो भी ऑब्जर्वेशन अभी हमने डिस्कस किया आपके साथ, उन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर फैराडे फॉर्मुलेटेड द फॉलोइंग टू लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के टू लॉज दिए, आइए देखते हैं वो कौन से लॉज है। फर्स्ट है, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, जब भी किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। जब भी किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। द ईएमएफ इंड्यूस्ड लास्ट सो लॉन्ग एज देयर इज चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ तब तक प्रेजेंट रहता है कॉइल में जब तक कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता रहता है। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉइल में तब तक प्रेजेंट रहता है जब तक कि कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहता है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना बंद हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाएगा। इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ केवल तभी तक प्रेजेंट रहता है जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहता है। आइए देखें सेकंड लॉ क्या है इनका। द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल। जो मैग्नेट जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसका जो मैग्नीट्यूड है उस कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। मींस द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। मींस किसी भी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड उस कॉइल से लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। मींस ई प्रोपोर्शनल डी फाई ओवर डीटी, जहां डी फाई जो है चेंज इन फ्लक्स इन डीटी टाइम इंटरवल में। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मींस किसी कॉइल में इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फ्लक्स उस कॉइल से लिंक्ड किसी भी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ उस कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज ऑफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। ई प्रोपोर्शनल माइनस डी फाई ओवर डीटी। ओके, आइए हम देखते हैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे हम शो करेंगे। ओके, आइए हम सेकंड लॉ को मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। If phi 1 and phi 2 are the magnetic flux linked with coil at time t1 and t2 second, means t1 second पर phi 1 magnetic flux है किसी coil से linked, t2 second पर phi 2 है, तो change in flux कितना हो जाएगा? Delta phi equal to phi 2 minus phi 1, time interval कितना हो जाएगा? Delta t equal to t2 minus t1। In view of Faraday second law कहता है कि the rate of the induced EMF is directly proportional to the negative of the rate of change of flux. तो E proportional minus delta phi over delta t, E equal to minus k delta phi over delta t, k एक proportionality constant है जिसकी by experiment value 1 होती है, तो E equal to minus delta phi over delta t हो जाएगा। अगर time interval very small हो तो उसको हम लिखते हैं limit delta t approaches to 0, क्या? delta t approaches to 0, तो delta phi upon delta t हो जाएगा, d phi upon dt क्या हो जाएगा? d phi upon dt हो जाएगा, तो e equal to हो जाएगा minus d phi over dt, e equal to क्या हो जाएगा? minus d phi over dt। इसका मतलब EM induced EMF is directly proportional to the negative of the rate of change of magnetic flux। नेगेटिव साइन, अब बात आती है कि हम माइनस साइन क्यों लगा रहा है। इसका माइनस साइन का रीजन ये है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है ये हमेशा फ्लक्स के चेंज का अपोज करता है। अगर फ्लक्स इंक्रीज कर रहा होता है तो ये चाहता है कि फ्लक्स डिक्रीज हो जाए, अगर फ्लक्स डिक्रीज कर रहा होता है ये चाहता है फ्लक्स इंक्रीज हो जाए। नेगेटिव साइन इज टेकन
एज इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। नेगेटिव साइन इसलिए लिया गया है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा चाहता है कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज का अपोज करता है। इन केस ऑफ कॉइल हैविंग एन नंबर ऑफ टर्न्स, कोई कॉइल जिसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो ई इक्वल टू माइनस एन डी फाइव और डी टी हो जाएगा। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, अगर नंबर ऑफ टर्न्स हम डिक्रीज कर देंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। आइए देखें, अब जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा वहां करंट आ जाएगी, जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, वहां इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगी। आइए देखें इंड्यूस्ड करंट के विषय में। इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल, देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड whether the circuit is open or closed। इंड्यूस्ड ईएमएफ तो हमेशा प्रोड्यूस होगा चाहे वो सर्किट ओपन हो या क्लोज्ड हो, जब भी फ्लक्स चेंज होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ जरूर प्रोड्यूस होगा। बट इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस ओनली इफ द सर्किट इज क्लोज्ड। इंड्यूस्ड करंट केवल तभी फ्लो होती है जब सर्किट क्लोज होगा, तभी इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी, नहीं तो नहीं। I इक्वल टू होता है वी अपॉन आर, वी की जगह पर मार डी अपॉन आर, तो I इक्वल टू एन डी फाइव आर डी टी हो जाएगा। अब हमें पता है I इक्वल टू होता है, ये इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला है। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हम लेंज लॉ से निकालेंगे। I इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन डी टी, तो डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू एन अपॉन आर डी फाइव डी टी, तो डी क्यू हो जाएगा एन अपॉन आर इंटू डी फाइव। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इंड्यूस्ड करंट तो टाइम इंटरवल पर डिपेंड कर रही है, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी टाइम इंटरवल पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन चार्ज इंड्यूस्ड वो टाइम इंटरवल पर डिपेंड नहीं करता है। चार्ज इंड्यूस्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, ये टाइम इंटरवल पर डिपेंड नहीं करता है। आइए हम नोट लेते हैं, फैराडे सेकंड लॉ गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट एंड इट डज नॉट टेल्स द पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। फैराडे सेकंड लॉ के हेल्प से हम इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड तो डिसाइड कर सकते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट की वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा, उसकी पोलैरिटी क्या होगी या इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इसके विषय में फैराडे सेकंड लॉ कुछ नहीं बताता। ये हमें लेंज लॉ से पता लगेगा, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। लेंज लॉ से पता लगेगा जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल चेंजेस फ्रॉम 12 इनटू 10 टू द पावर माइनस 3 वेबर टू 6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 3 वेबर इन 0.01 सेकंड। फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड मींस देखिए इनिशियल फाइ कितना था, 12 इनटू 10 टू द पावर माइनस 3, फाइ कितना होगा 6 इनटू 10 टू द माइनस 3, टाइम इंटरवल कितना है 0.01 सेकंड, इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा फाइ ओवर डेल्टा टी, तो फाइ टू माइनस फाइव अपॉन टी टू माइनस टी वन। फाइव टू कितना है 6 इंटू 10 माइनस 3, फाइव वन कितना है 12 इंटू 10 माइनस 3 और 0.01, तो 6 ये आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन 0.01 हो जाएगा 600 इंटू 10 माइनस 3, ये 0.6 वोल्ट आ जाएगा, 0.6 वोल्ट आ जाएगा, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा। तो आपने देखा इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट क्या होती है, चार्ज इंड्यूस्ड क्या होता है, ये टाइम पर कैसे डिपेंड करता है, ये हमने डिस्कस किया। ओके।